देते हैं लमसम शाम के टाइम लगते हैं 100 सवा 100 एक बार में लगा देते हैं 100 का एक बार में यहाँ से लेकर पूरा लगता है। आपका असली नाम क्या है? वैसे रियल नेम मेरा है प्रेमपुरी गोस्वामी। प्रेम चाय के नाम से भी सर ये फेमस है। लेकिन मेरी सर्विस को देखते हुए लोगों ने कई नाम दे दिए मुझे। जैसे अलग अलग आते हैं लोग बाग जिस तरीके से नाम देते हैं, लेकिन पंडित जी नाम जो रीज़न रहा है, मैं प्रॉपर हल्दीघाटी से हूँ जहाँ महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध हुआ, जहाँ घोड़े की समाधि आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो भगवान चाहे तो ले चलेंगे मैं आपको भी। जहाँ घोड़े की समाधि है उसके नीचे शिव जी का मंदिर है, घोड़ा मरता दूर है लेकिन वहाँ समाधि देने का रीज़न ये है कि जो शिव जी की पूजा करेगा घोड़े की भी देख सेख संभाल होगी, पूजा होगी, तो वो पूजा आज भी हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी पुरखों से चलती आ रही है। तो आपके यहाँ सिर्फ लेमन टी मिलती है? लेमन टी मिलती है, दूध वाली चाय मिलती है, कॉफ़ी मिलती है, मॉर्निंग में पोहे वगैरह बनाता हूँ, लेकिन जिसने लेमन पी ली है बाकी सब लोग। और सुबह कितने बजे से कितने दुकान शाम में खुलती है? 8:30 स्टार्ट करता हूँ, शाम को 9:30 तक। मैंने लेमन टी बहुत जगह पी है। जी सर। लेमन टी के हर जगह फ्लेवर्स अलग अलग होते हैं, कहीं पे हाजमोला डाल देते हैं, कहीं जीरा सिरप डालते हैं, कहीं पे आंवला डालते हैं। जी। आपने बताया गरम मसाले डालते हैं आप चाय में? कुछ न्यू है ये न्यू है। और साथ में सेंधा नमक डालते हैं? सेंधा नमक। और ऊपर से एक पुदीने का थोड़ा सा पत्ता डाला है आपने? डालते हैं ऊपर से तुलसी, रोज का मेरे को कम से कम 2-3 किलो तुलसी चाहिए होता है, इतना तुलसी नहीं पीता। अच्छा, ये प्रॉपर देसी पुदीना आपने गाँव का है, तो इसकी महक देखिए काफ़ी रिफ्रेशिंग है। अब इसमें जाने के बाद इसका टेस्ट दुगुना होगा। इसमें थोड़ी सी नींबू की खटास आ गई इसमें। क्या क्या मसाले चाय में डालते हैं? मैं मोटा मोटी बता सकता हूँ, सौंठ होगी, तुलसी होगी, काली मिर्ची होगी, बड़ी इलायची होगी, अजवाइन जो हरा पत्ता जो उगाते हैं अपन, हरे अजवाइन, शायद आपको पत्ता अजवाइन के पत्ता आपने नहीं खाया, हमने खाया, मेरे घर पे प्लांट भी है उसका थोड़ा सा, उसका सेटअप करते हैं मैम। एसिडिटी के लिए वो फ़ायदा करता है, जहाँ थकान वाला मामला आता है वहाँ दालचीनी और तुलसी उसको उद्धृत करती है, ये चीज़ है। तो लोगों ने इसको डॉक्टर टी बोला है, इसको आप आयुर्वेदिक चाय भी बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, मैं कह रहा हूँ काफ़ी लोगों ने काफ़ी तरीके से नाम दिए हैं, अब क्या बताएं। जैसे जो आता है सर वो अलग ना देके जाता है इस चाय को। मैं इसको आयुर्वेदिक चाय का नाम देके जा रहा हूँ। बिल्कुल सर। ये आयुर्वेदिक चाय इतने मसालों के साथ और साथ में तुलसी का पत्ता, अजवाइन का पत्ता, पुदीने का पत्ता उनके साथ बनाया जाता है, काफ़ी उम्दा चाय है, अच्छी मिठास और काफ़ी सारे फ्लेवर्स आ रहे हैं। और हर क्लाइंट से दावा करता हूँ मैं, नहीं अच्छी लगे छोड़ देना, पैसा मत देना, अच्छे लगे तो 2 कप पी लेना। चलिए पंडित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी सर। आपकी चाय तो बहुत उम्दा थी, साथ में आपसे भी इतना कुछ सीखने को मिला। मैं तो क्या सिखाऊं, सिखाने वाला ऊपर वाला, लेकिन अगर समय रहते अपनी जबान चले और अपने जबान में लोग याद करें तो उसके सिवा क्या चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। खमागणी। खमागणी सर। आपके यहाँ पे 2 आउटलेट्स हैं? हाँ, 2 आउटलेट। ये पुराना है, 1970 में खुला था ये और वो 2006 में खुला था। और दोनों जगह सेम फूड है? थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, थोड़ी वेराइटी वगैरह ज़्यादा है, यहाँ वेराइटी थोड़ी कम है। हाँ, यहाँ वेराइटी थोड़ी कम है, एक आध सब्जी है। तो क्या आज क्या है स्पेशल? मटर पनीर है, भिंडी है। तो पूरी थाली है? हाँ पूरी थाली है। ये राजस्थानी थाली है, गुजराती थाली है, ये दोनों इंटरमीडिएट बॉर्डर टाइप है। अच्छा, दोनों मिक्स हैं? हाँ दोनों मिक्स है, मीठी दाल होती है उसके, गुजराती थाली में दाल वगैरह मीठी है और मीठे में गुलाब जामुन है। मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया हूँ कि यहाँ पे एंथनी बोर्डेन, हाँ, वो आए थे, हाँ, तो इसलिए मैं उनका बहुत बड़ा फैन। जी जी, डिस्कवरी चैनल से आए थे सर यहाँ। हाँ जी, 2006 में आए थे, ऊपर वाले टेबल बैठ के भोजन किया था। हम उसी टेबल पर बैठ के खाएंगे। बिल्कुल सर, आप बताइए स्वागत है आपका। रेस्टोरेंट के बारे में बताएं, कब शुरुआत हुई ये रेस्टोरेंट? सर हमारा 1956 में विजयलक्ष्मी भोजनालय करके था, मेरे पिताजी ने स्टार्ट किया इसको। तो उनका मेन मोटो था कि जो कस्टमर आता है क्या, उसको भगवान का स्वरूप समझ के और उसको खाना खिलाओ, पैसा कमाना उद्देश्य नहीं था कि टू सर्व द ह्यूमन, उसको इतना तृप्त कर दो आप क्या, तो वापस दूसरी बार आए हो गए।
वो खुद जाते थे सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए और रामायण की चौपाई गाते हुए खाना बनाते थे। क्या दूसरी क्लास पास होंगे लेकिन आठ लैंग्वेज का उनको नॉलेज था, पूरी इंडिया में उन्होंने घूमा, हर जगह काम किया हुआ था। तो एक बार जो आदमी उनसे मिला था उसको इतनी आत्मीयता हो जाती थी उनसे और मेमोरी बहुत खराब थी उनकी, वो बकायदा नाम से बुला लेता है, 10 साल बाद आओ चाहे 15 साल बाद आओ उसको। और उस समय जो स्टूडेंट वगैरह आते थे पढ़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो कोई बात नहीं 2 महीने बाद कराना, और फिर थप थपा के खाना खिलाते थे, अभी तुम यंग लड़के हो गया तुम नहीं खाओगे तो कौन खाएगा। और ये नटराज होटल कब बन गया? ये 1970 से कल हो गया था, 97। उस समय भी थाली मिलती थी 1956 में? उस समय भी थाली थी। तो हमारे लिए लगवाइए थाली। बिल्कुल सर, थाली हम। चौला मटर पनीर, मीठी दाल, दही, आलू की सब्जी, भिंडी की सब्जी, कढ़ी और सादी रोटी, मिस्सी रोटी, गुलाब जामुन, आलू बड़ा, चटनी। इतनी सारी डिशेस थाली में, शुरुआत कैसे की जाए? शुरुआत तो अपने आयुर्वेद कहता है कि सर पहले मीठा खाया जाए। क्या आयुर्वेद के हिसाब से अगर मीठा खाने से क्या होता है, बॉडी का पीएच मेंटेन रहता है और जो जठराग्नि होती है क्या वो अच्छी मजबूत होती है। आप गुलाब जामुन से स्टार्ट करिए। अरे शुरुआत गुलाब जामुन से करें। हाँ, इलायची का काफ़ी अच्छा स्वाद है। धन्यवाद सर। अब नेक्स्ट कहाँ चला जाए? सर आप मिस्सी रोटी लीजिए। ये बेसन की रोटी है? हाँ ये बेसन की रोटी है। इसमें थोड़ी लाल मिर्च भी है और घी भी है जी। ये लेकिन तवे पे पकाई भी है ना? हाँ तवे। तो इसको लोबिया बोलते हैं? हाँ लोबिया भी बोलते हैं और चबले भी बोलते हैं हमारे यहाँ। और जो गुजरात के लोग हैं इसको कठोर बोलते हैं, इसको क्योंकि थोड़ा टाइट होता है ना, इसकी सब्जी की कठोर की श्रेणी में आता है। पंजाबी में इसको लोबिया बोला जाता है। लोबिया और चावल बहुत शौक से खाते हैं हम। जो खाना है उसमें कम तेल, कम मसाले, कम मिर्ची, मतलब एकदम घर जैसा खाना बनाते हैं। क्योंकि हम बाहर जाते हैं तो बाहर का खाना खा के हमें बहुत हैवी लगता है, बट इधर का खाना खा के आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं डॉक्टर के साथ खाना खा रहा हूँ। तो ये जो बता रहे हैं मैं सब चीज़ों विश्वास कर रहा हूँ। जी जी जी। तो अब वो जिस जगह पे खाएंगे वो देख के खाएंगे कि खाना सही है कि नहीं। दाल मीठी देना इसलिए गुजराती लोग आते हैं उनके लिए? हाँ मीठी दाल जो पसंद करते हैं, मीठी दाल, मीठी दाल, मीठी कढ़ी, थोड़ा सा सब्जी में भी मिठास डालते हैं। जैसे आप मटर पनीर खाएंगे तो थोड़ा सा उसमें मिठास है। चलिए धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार सर आपका, पता है थैंक यू। और डॉक्टर साहब से मिलना हुआ, हेल्दी फूड के बारे में जानकारी मिली। चलिए सर थैंक यू। पहले एग ट्राई करने से पहले मुझे बताओ ये चेतक वही महाराणा प्रताप वाला चेतक है? सर ये वही चेतक जी हैं जो महाराणा प्रताप जी के घोड़े थे, जो हल्दीघाटी में जिनकी लड़ाई हुई थी और जिन्होंने मरते दम तक महाराणा जी का साथ नहीं छोड़ा था। कब शुरुआत की थी आपने, कुछ अपने बारे में बताएं? शुरुआत तो 84 में हमारे फादर साहब ने की थी। यहाँ 86 में मैं उनके साथ यहाँ गया था, मेरी उम्र रही होगी 13 वर्ष की। तो बीमार हो चुके थे, मेरी सारी जिम्मेदारी मुझे पड़ा थी, तो 86 में उनके साथ यहाँ गया था। इससे समय का परिवर्तन आता कि हम लोगों ने कुछ नया करने की कोशिश की, नया बनाते रहे और लोगों को खिलाया और लोगों को पसंद आया। और जहाँ तक मास्टर शेफ की बात है तो मास्टर शेफ मेरा ऑडिशन पास हुआ था, सेकंड लेवल तक जा चुका हूँ। तो उसके बाद लोगों का बहुत प्रेम मिला होता है, जब मैं शो करके आया और लोगों ने इज्जत दी, सम्मान दिया, फिर और परिवर्तन आ गई मुझे। फिर हमने और कुछ नया करने की कोशिश की और नया जितना किया और जितना लोगों को अच्छा लगा। अभी कितने वैरायटी के डिशेज बनाते हैं आप एग के? 51। हमें क्या खिलाएंगे?
आपका बॉल एग भुर्जी जो स्पेशल है हमारी, जहाँ से हमने शुरुआत की है। उसके बाद हमने बनाई है तंदूरी ऑमलेट, एक नाइस वन टू ऑमलेट, आपके तंदूरी ऑमलेट और बॉल एग भुर्जी, ये दोनों ट्राई कर भाई, एग भुर्जी और तंदूरी ऑमलेट। तंदूरी ऑमलेट काटने के लिए उन्होंने धागा रखा हुआ है बॉयल अंडे को काटने के लिए। मैं देखा था अच्छे से काट रहे थे वो। कलर ही बदल गया था तो। अब ये लग रहा है राजस्थानी, अब इसमें रंग आया राजस्थान का, रंग राजस्थान को पसंद पूरा हिंदुस्तान करता है। ये तैयार होगी हमारी एक भुर्जी, बॉइल्ड एग भुर्जी, फेमस एग भुर्जी। और ये कह रहे थे आपको स्पून से नहीं खाना है, ब्रेड के साथ ही खाना है, खाना है। और बाद में कह रहे थे आपको और ब्रेड चाहिए होगी। काफ़ी अच्छा लगा सर, मैं ऐसा कह रहा था आपको, बिल्कुल आपने बॉयल्ड अंडे की सूरत बदल दी। जैसा बन रहा था स्टार्टिंग में देखा, प्याज टमाटर डाल के, उसके बाद बीच में कुछ आपने अपनी सीक्रेट चीज़ डाली, वो लाल रंग का कुछ डाला आपने, इसकी पूरी सूरत बदल गई। और टिपिकल राजस्थानी वाला जो फ्लेवर होता है, जो लहसुन और मिर्ची की चटनी वाला फ्लेवर होता है, वो भी इसमें प्रॉपर मिल रहा है खाने को। और बॉयल्ड एग को आपने जो फ्राई किया, उससे अच्छा क्रंचीनेस भी आ गया, तो सारे इंग्रेडिएंट्स के अच्छे फ्लेवर्स निकल के आ रहे हैं इसमें। और आप सही कह रहे थे, इसका खाने का असली मज़ा ब्रेड के साथ ही है। मतलब मैं देखा है पूरे हिंदुस्तान में जितने भी कितने लोग एग की कितनी वैरायटीज बनाते हैं, मतलब कितनी रेसिपीज हैं। ये तो वो समझ रहे, जितने मोटी आप बटोर सी तो बटोर लो, अंडा और चिकन ऐसी चीज़ है जितनी जिसे आप बनाना चाहो बना सकते हैं। बहुत वैरायटी है। इन्होंने हमें धनिया डालते हुए, चीज़ डालते हुए ज़रूर दिखाया है, लेकिन जो मसाला डाला, मसाला वो बिल्कुल नहीं बताया है, इनका सीक्रेट मसाला है। और लेकिन मेरे को लगता है अंदर में जो मसाला है वो बिल्कुल जो तंदूरी मसाला होता है, तंदूरी का पेस्ट होता है, जिसे मैरिनेशन करते हैं, वो डाला सॉस, तंदूरी सॉस जो होती है। ऊपर में खूब सारा मेयोनीज, ग्रेटेड चीज़, और अंदर में ये सॉस है। इसमें अगर ये ऊपर चीज़ ना डालें तो और अच्छा लगेगा। जितना इनोवेशन चीज़ डालने की कोशिश करते हैं उतना टेस्ट दब जाता है। हालांकि फिर भी काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल अच्छा फ्लफी ऑमलेट और तंदूरी मसालों का काफ़ी ऐसा जायका, एक तंदूरी पिज़्ज़ा टाइप का टेस्ट आ चुका है चीज़ डालने। मैं वैसे ट्राई करता हूँ बिना चीज़ का, नीचे से निकाल के वो मांगते हो चीज़ और बटर। ये ट्राई करो आप, ये स्वाद देखो आप, बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट आ रहा है, ये तंदूरी का जायका दे रहा है। बहुत है सर, सर ये तो आप लोगों की क्रिएटिविटी है कि इतने सारे डिशेज आप बना लेते हैं अंडे की। मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मज़ा आया, इतना स्वादिष्ट आपने मैं तंदूरी ऑमलेट खिलाया। मेरे लिए जो हाईलाइट रहा वो आपके बॉयल अंडे की भुर्जी रहे, बहुत ही बढ़िया थी, मज़ा आ गया खाया। पर मैं भी राजस्थान में बोलूँगा, पधारो हमारे देश। बिल्कुल जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। धन्यवाद, चलिए थैंक यू।
फ्राइड चिकन है, चिकन दाना स्मॉल पीसेस में सर, स्नैक्स की जैसे आप खा सकते हैं इसे। इसे बिल्कुल लगता है मसाले वसाले लगा के फ्राई करते हैं। मैरिनेटेड रहता है चिकन के पीसेस, बोनलेस चिकन के पीसेस, इसमें मसाला सर अभी और मसाला ऐड होगा इसमें फ्राई करने के बाद। फ्राइड चिकन है, इसके में लेमन जूस डाला, उसके बाद कैबेज, चाट मसाला, टमाटर, और मेनली लगता है मुझे ये स्पेशल है इनका जो ये मिर्च। सर ये देखिए आप, मसाले में कोटेड है ये पूरी मिर्च जी, और ये यही बनाते हैं, ये इन्होंने मिक्स कर दिया है साथ में, साथ ताकि थोड़ा अचारी फ्लेवर भी आ जाए इसमें। आइए खाया जाए। बिल्कुल क्रंची चिकन है, क्रंची एंड जूसी इनसाइड, बहुत मजा लगता है। जो मेन फ्लेवर है वो इस मिर्च का है, तो मिर्च आप ऐसे भी खा सकते हैं, तीखी नहीं होती है। अच्छा थोड़ी सी आप ट्राई करके देखिए, चपली कबाब जो डिश है हाँ। वो पाकिस्तान के डिश है, वो बोलते हैं चप्पल हाँ। फुल मक्खन में फ्राई करते हैं इसको, मतलब चिकन का कीमा साथ में हाफ फ्राई एग और मसाले हरी मिर्च, टमाटर और प्याज। एकदम माइल्ड है सर। वाह सर जबरदस्त, हरी मिर्च जो आपने डाली है उसका बहुत अच्छा जायका आ रहा है। ये साथ में क्या क्या है सर? ये पाइनएप्पल चटनी, पाइनएप्पल सॉस हाँ। और ये चिली अपने वही ग्रीन चटनी में सर। ये फिश है, फिश फ्राई सर, ये यहाँ की फिश है, लोकल फिश जैसलमेर की, और मीठे पानी की फिश है सर, स्वीट वाटर फिश, स्वीट वाटर फिश है सर, और बहुत फेमस है तिलापिया फिश, तिलापिया अफ्रीकन फिश है, और ये हमारे जो यहाँ के राजा थे महाराजा, उन्होंने ये फिश जैसलमेर डाली थी, ये दूसरी जो फिश की गंदगी होती थी साफ करती थी उनको क्लीन कर दी, तो अब यही उन्हीं की कल्चर हो गया। ये लोग खाने लगे, जब टेस्ट आया तो ये सब लोग पसंद करने लगे, ये फिश उसके बाद में पॉपुलर हो गई। तो इसके करी भी बनाते हैं जी, करी बनती है इसकी, और फ्राइड में तंदूर में भी बनती है। आप भी लीजिए हमारे साथ कुछ, तो बहुत नहीं खाते आप? मैं फिश नहीं खाता। अरे तो आप पता कैसे लगेगा टेस्ट अच्छा है कि नहीं? आप देखिए सर, ये पाइनएप्पल चटनी के साथ आप ट्राई करें। और सर ये भी बिल्कुल कम होते हैं। हाँ बहुत ही बढ़िया, इतना जो फिश है बिल्कुल सर बटर की तरह लग रहा है, बटर, और सर फ्लेवर पूरा अंदर तक उसमें चला गया, बहुत टाइम से मैरिनेटेड होता है। तो यहाँ पे लोग पसंद करते हैं काफ़ी हरी मिर्च फिश के साथ, चिकन के साथ। राजस्थान में बेसिकली उदयपुर के अंदर लोग स्पाइसेस खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको तीखा मसालेदार चीज़ें ज़्यादा पसंद है। सर मज़ा आ गया, आपके हमने तीन चीज़ें ट्राई की, मन तो कर रहा है और तंदूरी आइटम भी खाएं, लेकिन हमें दोबारा आएंगे हम, मज़ा आएगी हो, मज़ा आएगी, मज़ा आएगी, मज़ा आएगा। तो आ चुके हैं फतेह सागर लेक। यस सर। ऊपर इतना फ्रॉथ है और ये चॉकलेट पाउडर, ये सर ये चॉकलेट पाउडर, बहुत ही बढ़िया। ये मशीन वाली कॉफ़ी बहुत दिनों बाद पी रहा हूँ मैं, खमा गनी।
कैसी लगी आपको फतेह सागर की कॉफ़ी? फतेह सागर की साईं सागर की कॉफ़ी बहुत ही उम्दा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सर्व करते हैं कुल्लर में वुडन स्पून के साथ, बिल्कुल फ्रॉथी। और हमने दो तरह की कॉफ़ी ट्राई की, एक तो जो यहाँ पे लोकल कॉफ़ी है और ये स्पेशल कॉफ़ी जो आपने ट्राई करी मोरक्कन कॉफ़ी, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और दूध में साथ में आपने इसको ब्रू किया है, काफ़ी उम्दा जायका है। और जब मैं आया, मैं आते ही यहाँ पे सबसे पहले जो जगजीत सिंह के गाने चल रहे थे यहाँ पे चलाते रहते हैं। इतना अच्छा व्यू है, यहाँ बैठ के लेक का व्यू एंजॉय करें, साथ में जगजीत सिंह के गाने सुने और उम्दा कॉफ़ी पिए। यही है सर मेन उदयपुर का अट्रैक्शन। कई जने स्नैक्स में भी यूज करते हैं इसको, ले जाते हैं गाड़ियों में। स्नैक्स में गाड़ियों में किसके साथ लेते हैं यही मैटर करता है। आपने जो बोला आपका इशारा समझ गया मैं कि स्नैक्स में गाड़ियों में भी चलता है। चल शूट करें, बैठ जाओ कुर्सी पर। आउट ऑफ फ्रेम, आउट ऑफ फ्रेम।